नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग के मवान गांव में देवेंद्र सिंह भंडारी द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 6ठे दिन भी बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग कथा सुनने पहुँचे। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मेरे पूज्य ताऊ जी, जो कि अपने जीवन में लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे और ऐसे सामाजिक कार्य में उन्होंने जो है लगातार जो है क्षेत्र में और प्रदेश में जो है काम किया ऐसे कार्यों के लिए। अति सुंदर है, जीवनदायिनी है और जीवन का सारा साथ इस कथा में है। 6 दिन तक लगातार मैंने भी कथा का श्रवण किया है और ये जो गृहस्थी जीवन है इसमें प्रत्येक संस्कारों को भी दर्शाती है। जैसे कि शुरुआती में आत्मराम जी की कथा आती है, आत्मराम जी बहुत विद्वान थे लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधकारी वो दुष्ट थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर दिए गए बयान को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से अलग देश को अपना परिवार मारने वाला नेता ही देश का सच्चा हितैषी होता है। आप देखते हैं 2014 से लेकर आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक HOD के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं है। ये जो पूरा देश है, पूरा भारत है, ये सब मोदी जी का अपना परिवार है। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी से हरिद्वार के बैरागी कैंप में बाढ़ आ गई। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के साथ एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। NHI में लगभग 100 लोग फंसे हुए थे, उसमें मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 5-7 लोग अभी बचे हुए हैं, उनको अगले आधे घंटे में उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सहारनपुर जिला चिकित्सालय महिला वार्ड से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस CCTV के मदद से मामले की जांच कर रही है। वहीं खबर सुनते ही महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चा अभी पता चला सुबह कि कोई बच्चे को माँ के बीच में और बच्चे की ताई के बीच में बच्चा लेटा हुआ था। दोनों मदर के बीच में बच्चा था और कोई दोनों सोई हुई थी और बच्चे को वहाँ से उठा के ले गया। तो अभी पुलिस हमने पुलिस रिपोर्ट करा दी। सहारनपुर के देवबंद में भूमाफिया ने अधिवक्ता के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने देवबंद SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मामला यह है कि हमारे जो सीनियर साथी जनार्दन दास त्यागी हैं, उनका एक प्लॉट जो है इस दिल्ली रोड पर है, उस पर माफिया ने, एक नरेंद्र नाम का माफिया है, उसने नाजायज कब्जा कर लिया और गेट खोल दिया। हाथरस में सभासद का सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी यूनियन सभासद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर दरअसल में हमारे सफाई कर्मचारी के साथ एक सभासद वार्ड नंबर 9 के धर्मेंद्र कुमार ने और उसके एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की है और उसके घसीट के ले आया और कहा, साले तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम बैठे रहते हो, हराम की तरह। थाने गए जी, तो हम थाना कोतवाली पहुंचे हम सभी साथियों के साथ हाथरस गेट में। मैं जब यहाँ काम करने गया वार्ड नंबर 9 में, तो सभासद जी हैं वो दिवाकर, उन्होंने मेरे नाम धर्मेंद्र दिवाकर, वो बाहर आया निकल के और उसने मुझे धमकी दी और मारपीट करने लगा मेरे साथ। वहाँ देखा कि वहाँ कुछ और ही माजना था, ना तो हमारी FIR दर्ज की जा रही है और ना ही कोई मुकदमा कायम हो रहा है। जैसे दबंग सभासद द्वारा उसने मेरे कर्मचारी से जो बदतमीजी करी है, बहुत बहुत बड़ी निंदनीय है। गोमती नगर पत्रकार पुरम के पास कार में आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। खड़ी कार में आग लगने से अफरातफरी का माहौल बन गया। आगरा में DCP City टीम का सराहनीय कार्य देखने को मिला, जहाँ टीम ने 22,65,000 कीमत के 111 मोबाइल बरामद किए है। DCP City ने मोबाइल स्वामियों को उनका मोबाइल सौंप दिया। एक्चुअली मैं जॉब पे जा रही थी तो ना मैंने अपने बैग के साइड में रखा था, मेरी मिस्टेक था तो वो मेरे से गिर गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत कॉल किए तो उन्होंने उठाए नहीं थे, फिर मोबाइल 10 मिनट के बाद स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे
जो लॉस्ट एंड फाउंड सेल है सर्विलांस सेल के अंतर्गत काम करता है, तो उसमें सिटी जोन की सर्विलांस एसओजी के टीम के द्वारा लगभग आज 111 मोबाइल जो लोगों के विभिन्न स्थानों पर खोए थे उसको रिकवर करके और इनके स्वामी जो हैं उनके सुपुर्द किया जा रहा है। कुल मार्केट वैल्यू इन मोबाइल फ़ोन्स की लगभग 23 लाख रुपए है। तो एक बहुत अच्छा लगातार अभियान चला के सर्विलांस टीम के द्वारा काम किया गया है। महोबा में ट्रैफिक जाम जी का जंजाल बन गया, जहां मरीज को लेने जा रही दो एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। आरोप है कि यातायात पुलिस की लापरवाही से जाम की स्थिति बनती है। जाम में एम्बुलेंस होने पर भी ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस मूकदर्शक बनी रही। महाराजगंज के सोनपिपरी बुजुर्ग गांव में सुबह संदिग्ध हालत में एक युवक का शव रस्सी पर लटकता मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।